I am Colonel Haminder. I am Director ARO Cuttack. And I am firstly very thankful that the media team has come here, all the members of the media fraternity, for coming and covering this online exam. Indian Army ने एक बहुत ही transformational change किया है from 2023 onwards. इस साल से तीन stages में selection होगा, both for Agniveer as well as non-Agniveer scheme के लिए. सबसे पहला stage जो है, इसमें online exam होगा. Online exam computer based exam है, जिसके 365 locations और centers हैं all over the country. और 8 centers ऐसे हैं जो उड़ीसा में हैं, जैसे कि भुवनेश्वर में 2 सेंटर हैं, बालासोर में 1 है, धैन केनाल में है, रौरकेला में है, संबलपुर में है और गंजम बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ पर 2 सेंटर्स हैं. तो ऐसे करके सेंटर्स हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है जहाँ बच्चे आएंगे और अपना कंप्यूटर पे 1 घंटे के अंदर अपना एग्ज़ाम दे देंगे. ये पहली बार हुआ है इस आर्मी में कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है. और आजकल की जनरेशन आपको पता है कि बहुत ही टेक्निकल सेवी है, दे नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, दे नो हाउ टू ऑपरेट लैपटॉप्स, पैड्स एंड मोबाइल, तो उनके लिए ये बहुत ईजी पड़ता है. मैंने इनके साथ इंटरेक्शन भी किया है और ये सब इस स्कीम से बहुत खुश हैं कि हमको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, और स्पेशली कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो फर्स्ट स्टेज में है. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होगा. पहला स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है. उसके बाद स्टेज 2 में रैली होगी, जैसे रैली पहले होती थी, जिसमें कि रैली में रन होगा जो कि एक फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है. उसके बाद PMT होता है जिसमें फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होता है. तो PFT में तो रन होगा, 9 फीट डिच होगी और पुलअप्स होते हैं. उसके बाद जो PMT है उसमें हाइट, वेट और चेस्ट इनकी चेक होती है. उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे इन 2 स्टेजेस में, तो थर्ड स्टेज इनका मेडिकल होगा. मेडिकल इज़ दी फाइनल स्टेज. और मेडिकल के बाद जो फाइनल स्टेज होगा, मेडिकल के बाद ये लोग क्या कहते हैं आर्मी में सेलेक्ट हो जाएंगे अपने मेरिट के हिसाब से. फिर इनको वेरियस ट्रेनिंग सेंटर्स हमारे जो है उनमें भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए. तो ये जो स्कीम है ये अभी दोनों के लिए है. इसमें कुछ अग्निवीर के लिए भी है और जो कुछ अदर ट्रेड्स हैं, कई ट्रेड्स हैं हमारे, जैसे कि अग्निवीर GD है, टेक्निकल है, 8th हैं, 10th पास हैं, इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं. वुमेन कैंडिडेट्स के लिए मैं बताऊँगा, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी है. तो इन सब के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो कि 17 से लेके 26 तक एग्ज़ाम है ऑल ओवर दी कंट्री. और उड़ीसा में हमने इन सब के लिए एक अवेयरनेस स्कीम चलाई थी, जिसके अंदर आउटरीच प्रोग्राम में हमने अराउंड ऑलमोस्ट 21,000 से लेकर 22,000 बच्चों को कवर किया है बाय गोइंग टू वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस, NCCs, इवन स्पोर्ट्स सेंटर्स. वहाँ पे हमने इनके लेक्चर्स अटेंड किए हैं और अपना लेक्चर्स अटेंड किए हैं. और इसके अलावा हमने इनको वीडियोस जो हैं रीजनल लैंग्वेजेस में वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब अवेयरनेस स्प्रेड की है. इवन वी हैव मेट वेरियस DMs एंड और दी सिविल सेक्रेटरी, राइट फ्रॉम दी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू दी DMs एंड DOs, वी हैव स्प्रेड दी अवेयरनेस अलॉन्ग विद दी स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स. सो ये अवेयरनेस काफ़ी हमने फैलाई थी. उसके बाद काफ़ी बच्चों ने बड़े उत्साह दिखाया इस स्कीम में और काफ़ी थाउजेंड्स में इन बच्चों ने हमारे को ज्वाइन किया है, मतलब फॉर अपियरिंग इन द एग्ज़ाम. ये एग्ज़ाम अभी 26 तारीख तक है और इसके बाद क्या कहते हैं सेकंड स्टेज स्टार्ट होगा जो कि रैली का स्टार्ट होगा. और रैली हमारी जून से स्टार्ट हो रही है उड़ीसा में. वो 40,000 के करीब का है रिक्रूटमेंट इस साल, और इस बार एक ही बार एग्ज़ाम हो रहा है. अगले साल से शायद ये 2 बार होगा. हाँ, अगले साल से ये 2 बार होगा, इस साल एक ही बार है. मतलब जनवरी में और दिसंबर में, वो अभी डेट्स मतलब कौन से मंथ में होगा वो नेक्स्ट ईयर डिसाइड होंगे.